हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ अपन व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाना सीखेंगे, जो कि अदर इंस्टाग्राम के भी आप ऐसी वीडियो डाल सकते हो। तो जो किस के एडिटिंग करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलते अपन कर लेना है काइनमास्टर। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस के क्रम क्लिक करके और 900 लाख प्रेम चूज करके करना, आपको नेक्स्ट स्टेप क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको इस सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करना, एडिटिंग पर क्लिक करना और फिल द स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। फिर द स्क्रीन क्लिक करने के बाद गाइस, आप कौन से इमेज की आप वो स्टेटस वीडियो बना रहे हैं, जिसका मैंने आपको फर्स्ट में स्क्रीन पर दिखाया, तो गाइस उस फिल पे स्क्रीन करने से क्या होगा, आपका फोटो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अपन जूमिंग करना पड़ता है फोटो, तो इस तरह से आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, आपको मनपसंद जितनी आप फोटो की ऐसी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, उतने आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक ना, तो मैं इस तरह से कुछ फोटो सेलेक्ट करके आपको दिख रहा हूँ। अब क्या करना गाइस, इससे देख सकते हो अपन ने कुछ इस तरह से फोटो सेलेक्ट करके और आपको इसे प्लस के आइकन क्लिक करके करना गाइस, यहाँ से कुछ ट्रांजेक्शन इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अदर गाइस इतना कोई ज़रूरी नहीं है, जो कि मैं लेकिन बीच बीच में आपको लगा के दिखा रहा हूँ ट्रांजेक्शन इफेक्ट, जो कि मैंने उस वीडियो में यूज़ किया था, इसलिए अदर गाइस आप बोलोगे कि आपने जो दिखाया है उसमें वो करके नहीं दिखाया वीडियो में, इसलिए मैं कुछ ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगा रहा हूँ, जो कि आप भी लगा सकते हो लगाना चाहते हो तो। ठीक ना, तो अब क्या करना गाइस, इस तरह से अपन कर लेंगे। आप क्या करेंगे गाइस, थोड़ा इन फोटो को अपन छोटा कर लेंगे, ताकि अपनी वीडियो जो कि अपन इमेज फास्ट निकलेंगे, तो अपनी बहुत अच्छी वीडियो लगेगी व्हाट्सएप, जो कि आप भी बना सकते हो। अदर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस तरह से आपको सभी फोटो का जूमिंग कम, सॉरी इसमें थोड़ा इसका इस लार्ज जो हैगा अपना, तो इसका आपको थोड़ा कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह से आपको सभी का छोटा, थोड़ा फोटो को छोटा कर देंगे। तो अपने सभी फोटोज कुछ अपने छोटा कर ली। अब क्या करना गाइस, दो फोटो और बचे हैं, इनको और कर लेते हैं। ठीक ना, तो इसी तरह से कर लेना है गाइस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर पूछ लीजिए, मैं हर एक कमेंट का आपको जवाब देता हूँ। तो क्या करते हैं गाइस, आप फिर से लेयर पे चलते हैं, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करते हैं। मीडिया का ऑप्शन क्लिक करने के बाद गाइस, जो भी मैं इफेक्ट लगाऊंगा सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस, लेकिन इससे पहले आप वीडियो देख लीजिए कि इसके एडिटिंग करना है। तो अपन पहले फर्स्ट नंबर कलर ऑब्जेक्ट वीडियो लेंगे, जो कि देख सकते हो ये कलर ऑब्जेक्ट वीडियो रहेगा। तो इसको स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन कर देना है, इसके बाद इस पर क्लिक करना और आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे। ठीक ना, और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद देख सकते हो अपना कुछ इस तरह से कलर इफेक्ट लग गया। अब कलर इफेक्ट लगाने के बाद क्या करना है, सबको फिर से लेयर पे जाना, मीडिया को ऑप्शन क्लिक कर लेना। मीडिया को ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना है, इससे और भी अपन इसमें बहुत सारे इफेक्ट लगाएंगे, जो कि आपको इस तरह से इफेक्ट मिल जाएंगे। क्या करेंगे, इससे ये ब्लैक इफेक्ट हैगा, ब्लैक इफेक्ट को आपको इस तरह से इतना कन्वर्ट कर लेना है। इतना कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, अपनी वीडियो का जो अपने लेयर बनाया उसी के बराबर अपन को इसको भी, इस लेयर को कर लेना है। इसके बाद राइट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद गाइस, जो कि एक और PNG इमेज दे दूंगा मैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो गाइस इसका भी आपको दोबारा ले लेना, सॉरी अपन ये नहीं लगाएंगे, पहले आपको लेयर पे जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना, पहले तो अपन एक और चीज़ लगा लेते हैं, इसके बाद वो लगाएंगे, ताकि अपनी वीडियो कुछ से मैचिंग हो जाए। ठीक ना, तो ये वाला इफेक्ट लगाएंगे अपन पहले। ठीक ना, ब्लैक स्क्रीन में, तो ब्लैक स्क्रीन में ये वाला इफेक्ट को सेम प्रोसेस कर देना, स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करना और इसका फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से सिर्फ क्लिक करना और आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे और आपको इसको भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद देख सकते हो अपना कुछ वीडियो इस तरह से रहेगा अभी। ठीक ना, अब क्या करेंगे, इस फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे और अपन अब इसमें PNG इमेज लगा लेते हैं, जो कि बॉर्डर अपना। ठीक है, PNG बॉर्डर रहेगा, जो कि गाइस मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसका भी स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना और इसका लेयर भी अपनी वीडियो के बराबर कर लेना है। और अदर गाइस मैं आपके लिए बहुत फास्ट ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, जो कि एडिटिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक ना, तो सॉरी अपना उस पर क्लिक करें। अब क्या करेंगे गाइस, इस तरह से हो गया, लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक अब लगाएंगे, जो कि मैंने पहले आपको लेके दिखा दिया था गलती से। तो आप क्या करना गाइस, ये वाला इफेक्ट आपको ले लेना है। ठीक ना, इस तरह से इसको अपन जूमिंग करेंगे, जूमिंग करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेना है। देख सकते हो मैं इतना थोड़ा इसका जूमिंग कम करके इस तरह से इसको लगा लूँगा। लगाने के बाद क्या करना गाइस, इसका लेयर भी अपनी वीडियो के बराबर अपन कर लेते हैं, जो कि बड़े आसान ट्रिक के साथ। ठीक ना, देख सकते हो। अब क्या करना गाइस, आपको फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको अब यहाँ से लेयर सॉन्ग चुन लेना है, जो कि बड़ी आसानी से, इसका भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वहाँ से ले लीजिए। तो इसका क्या करेंगे, इस यहाँ पे अपन इसको लाएंगे,
यहाँ पे लाने के बाद इसको इस तरह से क्लिक करेंगे और इसका थोड़ा मेंटेन लाग छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद क्या करना है, वैसे आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग को ऑप्शन पर, और इसका भी आपको क्या करना है स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद राइट का ऑप्शन क्लिक कर दो, फिर से इसी क्लिक करना और आपको नीचे जाना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पर, इसे अनेबल करना और इसका रोटेशन फुल बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद देख सकते हो तो अपना इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि जैसे कि अपने इसमें ऑलरेडी ऐड कर रखा हो। इसके बाद थोड़ा बहुत आपके सब जूमिंग आउट कम ज़्यादा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि देख सकते हो बड़ी आसानी से अपनी वीडियो कुछ कंप्लीट हो गई। तो मैं अब आपको वीडियो चला के भी दिखाऊंगा इस, और कोई ऐसी वीडियो आपको लगी एक कॉमेंट तो आपके लिए बनता है। तो गाइस कॉमेंट करके जरूर बताना कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझसे एक बार, ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूँ। चलते हैं तो अपन वीडियो को देख लेते हैं कैसी क्या एडिटिंग हुई है। तो गाइस देख सकते हो बड़ी आसानी है, जैसा मैंने आपको दिखाया था सेम वीडियो अपनी कंप्लीट हो गई, जो कि मैंने लेयर पे दिखाया था आपको फर्स्ट में चला के, तो अपनी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।